पहले तो आप लोग की ब्रांचेस क्या क्या हैं? आप ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके ओके, एंड मैकेनिकल, ओके। तो यहाँ पे मैं मतलब स्पेसिफिकली क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे ये नहीं बताऊँगा। व्हाट विल बी द अप्रोच, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द थिंग इज़ कि आप लोगों ने वो पढ़ा जो इंटरव्यू का सिलेबस दिया UPSC ने, पढ़ा हो तो मतलब ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, ठीक है? तो उनका पर्पस जो होता है, इट्स नॉट अबाउट टू चेक योर नॉलेज अबाउट इंजीनियरिंग, इट्स लाइक कि आपको वो चेक इस चीज़ पे करना चाहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को 4 साल दिए हैं तो आपका उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट था, या फिर आपने किसी के कहने पे या बहुत सब सब कर रहे हैं तो इसीलिए हमने इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया, इसलिए हम कर रहे हैं। तो उनका इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि आपकी इंटीग्रिटी थी उस सब्जेक्ट के लिए कि नहीं थी, आपने जो सोचा जो चाहा वो किया, या फिर इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, ठीक है? तो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी में वो आपको टेस्ट करेंगे 3 चीज़ों पे, ठीक है? पहला तो आपका इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में कि नहीं, सेकंड आपका अवेयरनेस, आपका नॉलेज उस चीज़ के बारे में, और थर्ड आपकी एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है? आप उस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों पे बेसिकली आपकी वो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी चेक करेंगे। अब इंटरेस्ट की बात अगर हम देखें तो सबसे पहले तो चीज़ें आती हैं कि आपकी ब्रांच किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है? नॉर्मली वो क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो वो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इंटरेस्ट आपका कैसे पता चलेगा उन्हें कि आपको बेसिक्स उस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं है। आपको अगर इंजीनियरिंग आपने की है तो आपको बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पता है कि नहीं है, और न्यूटन्स लॉज पता है कि नहीं, फैराडेज प्रिंसिपल पता है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है कि नहीं, इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आपसे स्टार्ट करेंगे वो पूछना। तो ये उनका एक तरीका है कि आपको इंटरेस्ट था कि नहीं था ये पता करने के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर एक्चुअली इंजीनियरिंग अगर आपने उन्हें कह दिया है कि मैं इंजीनियर हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो कि IT के हो कि सिविल के हो, एक जनरल आइडिया आपको टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस चल रहे हैं हमारे आसपास उसके बारे में आपको होना चाहिए। मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे आसपास नहीं आई तो आप एज अ जेन्युइन इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक बेसिक चीज़ें क्या हो रही हैं, जैसे आधार UID जो कुछ नए चेंजेस ला रही है, जैसे OTP लाया अभी, या फिर कुछ KYC नॉर्म्स वगैरह जो चेंज किए उसने, और उसके अलावा फेस रिकॉग्निशन अगर वो ला रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, उसको कैसे वो थोड़ा बहुत उसकी वर्किंग क्या होती है कैसे होती है, ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है? वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, वेदर यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, कुछ भी हो आपका, एक बेसिक आपको आसपास जो चीज़ें चल रही हैं तो इससे पता चलता है कि इंटरेस्ट आपका है कि नहीं उस फील्ड में, ठीक है? थर्ड इज़ नॉलेज, नॉलेज एंड अवेयरनेस, ठीक है? नॉलेज एंड अवेयरनेस आपका उसी से पता चलेगा कि जैसे आप मैकेनिकल के हो तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि आप कर्नोट साइकिल, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इन सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कर्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछे जाएंगे, ओके? तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको उस स्पेसिफिक फील्ड के बारे में नॉलेज है कि नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी, जैसे नॉर्मली हम आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं 3G, 4G, 5G क्या है, एक्चुअली इन सब चीज़ों के बीच में पीछे क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, क्या 5G और 4G के बीच में चेंजेस हैं। अगर कॉल और डेटा साथ में 2G में नहीं जाता था तो 3G में कॉल और डेटा साथ में जाता है, ठीक है? तो इस तरह की नॉर्मल चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं, किस फ्रिक्वेंसी पर वर्क करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपसे वो नॉर्मली ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर उसके बाद अल्ट्रा वॉलेट रेज, और हमारा उसके बाद विजिबल रेडिएशन, इस तरह का जो हायरार्की होती है फ्रिक्वेंसी वाइज, तो ये भी पूछ सकते हैं नॉर्मली क्योंकि वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये उनका तरीका होता है कि आप कैसे आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, अवेयरनेस है कि नहीं है, ओके? थर्ड चीज़, थर्ड पॉइंट जो है वो आपका एनालिटिकल स्किल, ओके? एनालिटिकल स्किल में वो आपसे जो नॉर्मल आप
आपने इंजीनियरिंग में क्या सीखा और उसके बाद उसका एप्लीकेशन सोसाइटी में क्या है, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, ओके, कि आपसे इंजीनियरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इट्स अबाउट कि आपने जो सीखा, आपने जो भी किया, उस चीज़ का इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या एप्लीकेशन है. ओके, तो जैसे मेरे से पूछा गया था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का विमेन से क्या रिलेशन है, विमेन जो हमारे विमेन की प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक डोमेन से रिलेट करके आपके नॉलेज को वो पूछते हैं. ठीक है, तो इससे आपका पता चलता है कि आपने एनालिसिस किया है कि नहीं. अब जैसे कोई प्रॉब्लम है, एमजी नरेगा एक हमने स्कीम लाई, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी कि लीकेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो उसको हमने डील करने के लिए जैम, ट्रिनिटी और ये सब आधार वगैरह का यूज़ करके उसको उसके लीकेज को रोकने की कोशिश की. ओके, अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई कि लोगों का जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं आ पाता था, क्योंकि मजदूर लोग हैं, वो काम करते हैं और फिंगरप्रिंट उनका घिस जाता है. आइरिस स्कैन होता था, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिनके आईज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं, उनको नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें. ठीक है, इसी तरह फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी ये सारी चीज़ें हैं, है ना. तो अब इन सब चीज़ों को डील करने के लिए नई चीज़ें लाई जा रही हैं, फेस रिकॉग्निशन लाया जा रहा है, OTP लाया जा रहा है, वॉट एवर इट इज़. ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस का पार्ट हो गया कि आप उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो किस तरह से, एंड देन उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हो. ओके, आपने देखा होगा कि अभी कुछ WHO की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, मोस्ट मतलब डेथ्स अगर देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट डेथ रेट्स है रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया में. ठीक है, तो आप मैकेनिकल के हो या आप सिविल के हो, तो वो आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आपको, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो कि इन सब प्रॉब्लम्स का जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं. कि हमारे रोड में अभी एक IAS ऑफिसर की रिसेंटली डेथ हो गई क्योंकि उसके दोनों टायर फट गए थे, है ना. तो अब ये इसका प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सीमेंटेड रोड्स इंडिया में क्यों वर्क नहीं करती हैं. ठीक है, और डिफरेंस क्या है सीमेंटेड रोड्स और RCC रोड और इसमें जो हमारी डामर वाली नॉर्मल रोड होती है उसमें. ठीक है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर या फिर एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं इन चीज़ों का सॉल्यूशन. ठीक है, कि आपने इस बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है. ओके, देन ये तो हो गया आपका बेसिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट. उसके बाद वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इंजीनियरिंग ने एज अ पर्सन आपको क्या सिखाया. ओके, एज अ पर्सन आप जब कॉलेज में जाते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे होते हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हो या फिर आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया अपने दम पे या फिर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया. ओके, सो वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग ने एज अ पर्सन आपको किस तरह से ग्रूम किया, आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम किया. ठीक है, आप एज एन इंजीनियर अगर आप IAS बनते हो तो उस चीज़ को आप क्या दे पाओगे, है ना. तो जनरल क्वेश्चन जैसे मैं मॉक देता था या फिर मेन इंटरव्यू में भी आपसे जनरल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि अगर आप इंजीनियर हो और आपसे इतनी सारी चीज़ें, पहले तो आपसे क्वेश्चंस पूछे उनसे, उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि अगर आप इंजीनियर हो, आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो वाई यू आर लिविंग दैट फील्ड एंड ज्वाइनिंग IAS, और अगर आपसे इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो आप IAS बन के सोसाइटी को क्या दे पाओगे. ठीक है, तो ये जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन द एंड. ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मल इंटरव्यू की लाइन पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, नाउ उनका भी तरीका होता है, आपको ज़रूरी नहीं है, ना उनको सब कुछ आता है ना आपको सब कुछ आता है. ठीक है, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओ ये भी ज़रूरी नहीं है. जैसे लास्ट ईयर कई सारे बोर्ड्स में, स्पेसिफिकली बस्सी के बोर्ड पे, तो उन लोगों ने क्या करवाया था कि सर्किट्स वगैरह, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स को सर्किट्स वगैरह कुछ दे दिए सॉल्व करने के लिए, नॉर्मल सर्किट. ठीक है, तो अब इस चीज़ में कुछ लोगों से बन जाता है, कुछ लोगों से नहीं बनता है. तो इट डजेंट मैटर कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप आंसर दे दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर नहीं दोगे तो वो शो करेगा कि आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट था या फिर आपने उस चीज़ को ढंग से नहीं किया. ठीक है, तो उस टाइम पर अगर आपसे आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है तो यू डोंट हैव टू पैनिक. क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि 10 में से एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर करके लाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं 10 में से 10 आंसर करते हैं लेकिन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिलीवर इन देयर एक्सपेक्टेशंस उनको मार्क्स कम मिलते हैं. तो इट डजेंट मैटर कि आप आंसर दे रहे हो कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है,
तो इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट योर इंजीनियरिंग थिंग. ठीक है, वो इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं ले रहे हैं आपका, बस उससे आपका पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे हैं कि वो सही है कि नहीं. फेक चीज़ें नहीं बतानी है, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे न्यूटन्स लॉस पूछा तो फर्स्ट लॉ की जगह थर्ड लॉ बता दिया, थर्ड लॉ की जगह फर्स्ट लॉ बता दिया. तो उनको इतना तो एटलीस्ट आइडिया लग ही जाता है आपको देखकर कि आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो. तो ब्लफ नहीं करना है कभी भी. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली तैयार करनी है. उसके अलावा अगर क्वेश्चंस के लाइन पे जाएं, तो जैसे मैंने बताया कि ब्रांच का नेम, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रांच का नेम, आपकी ब्रांच किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और उसके अलावा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपके आसपास की चीज़ें कैसे वर्क करें. जैसे नॉर्मली वो बैठे हैं तो उनको एसी दिख रहा है, एसी कैसे वर्क करता है. अगर वो बैठे हैं तो उनके सामने फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन कैसे वर्क करता है. या कोई नई चीज़ आई, बुलेट ट्रेन हमारे आसपास बात चल रही है, और मैगलेव ट्रेन्स की बात चल रही है, तो वो सब उनके पीछे नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. तो अगर हम न्यूज़पेपर में जनरली कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे 2-3 दिन पहले आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, इट वाज अबाउट डेटा यूसेज, जो बड़ी कंपनीज हैं वो किस तरह से डेटा को यूज़ करके आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको कहाँ जाना पसंद है, आपको कहाँ खाना पसंद है. तो गूगल और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स आपके डेटा को एनालाइज करके आपके सामने ये सब प्रेजेंट करती हैं ऑप्शंस कि आप यहाँ जा सकते हो क्योंकि आपको इस तरह का खाना पसंद है. ओके, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि आपकी प्राइवेसी को चेक किया जा रहा है. ठीक है, प्राइवेसी आपकी इसमें दिक्कत है प्राइवेसी की. ओके, और दूसरा ये कि अगर ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास तो सारे डेटा हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके पास तो ये डेटा है नहीं, और उनको भी यूटिलाइज इसी डेटा को करना है. तो दे बाई डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिग कंपनी. ठीक है, तो बिग कंपनीज की मोनोपोली एस्टैब्लिश होने का खतरा है. ठीक है, तो दे कैन बिकम पावरफुल टू डिक्टेट एनीथिंग अबाउट यू, अबाउट द वर्ल्ड. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स ये सारी हैं. अब उसमें उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि डेटा को हम किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना हमें उसमें काम करना है, कितना उसको देखना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं तो नो मैटर यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, नो मैटर यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी को टेक्नोलॉजी से क्या प्रॉब्लम या क्या फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं. अगर अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से, मेरा एमटेक था डिजिटल सिस्टम्स में, तो मेरा उसी से स्टार्टिंग डिजिटल सिस्टम, डिजिटल इंडिया से हुई. डिजिटल इंडिया में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसके बाद उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे डीमोनेटाइजेशन और साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों को रिलेट करके बात कही गई. नॉर्मल टेक्नोलॉजी का एज इन सोसाइटी, ऐसे मैंने बताया कि हम उससे पूछा गया था वुमेन में, वुमेन की प्रॉब्लम्स में सोसाइटी टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. उसके अलावा मेरे से पूछा गया था नॉर्मल जैसे HTTPS क्या होता है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है. HTTPS का मतलब क्या होता है, HTTPS. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, हम कैसे अपना जो हमारे प्राइवेसी या फिर हमारा जो नॉर्मल ATM में हमें फ्रॉड हो रहा है उन सबको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से. और मोस्टली मेरा इंटरव्यू उसी लाइन पे आगे गया फिर. हाँ, ये भी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा नहीं गया था, बट ये पूछा जा सकता है आपसे. जैसे मैंने बताया ना कि आपको वो पूछेंगे कि अगर आपसे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, अगर आपने सारे आंसर दे दिए तो वो पूछेंगे आपसे कि अगर आपसे इतनी सारी चीज़ें आती हैं अपनी ब्रांच के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वाई यू आर लिविंग द इंजीनियरिंग फील्ड एज अ होल और एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, कि ऑप्शनल आपने क्यों चेंज कर लिया, ज्योग्राफी क्यों ले लिया,
इस तरह के क्वेश्चन आपसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मेरा ऑप्शन मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था तो वो सब्जेक्ट ही उसके लिस्ट में नहीं है यूपीएससी के. और दूसरा कि आप नॉर्मल कह सकते हो, बिल्कुल ट्रुथफुल होकर बात करनी है, आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इज़ मोर लिंक टू जनरल स्टडीज़, तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना. और दूसरा कि ज्योग्राफी वगैरह का मटेरियल भी काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है एज़ कम्पेयर टू. और जो अगर सिलेबस हम देखें तो किसी भी एक ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का या फिर किसी भी चीज़ का हम सिलेबस अगर उठा लें तो एटलीस्ट आपको 20 से 25 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे. और अगर हम ज्योग्राफी देखें तो एक सब्जेक्ट है जो कि सिलेबस उसका काफ़ी छोटा है. तो आप नॉर्मली ये बात कह सकते हो. आपको आपको दिखाना है कि यू प्रैक्टिकली यू हैव डिसाइडेड टू. उसको नॉर्मली आप बताओ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई, 4 साल से आप क्या कर रहे थे, आपने क्या क्या कुछ नया सीखा हो उस 4 साल में. ठीक है, ये आप नॉर्मली, आपको ऐसा नहीं कहना है कि आप कुछ बहुत ही बड़ा काम कर रहे थे, क्योंकि अगर आप उस ऐसा कह दोगे तो आपसे फिर उस चीज़ पर ग्रिलिंग की जाएगी आपकी. ठीक है, तो आप जो एक्चुअली कर रहे थे उस 4 साल में आप वो बताओ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी तो पीपल विल ट्राई फॉर इट. ठीक है, तो ये आप बिल्कुल विदाउट एनी ब्लफ बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये बता देना है. ओके एनी मोर क्वेश्चंस. देखिए मतलब वो डिपेंड करता है, सपोज वहां पे कोई इंजीनियर बैठा हुआ हो बोर्ड तो आपसे वो टेक्निकल पूछेगा, लेकिन वो भी नॉर्मली आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं, क्योंकि उन्हें आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं चेक करनी है, उन्हें आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है. ठीक है, तो वो अब नॉर्मली अगर आपको ये नहीं पता है कि बर्नौली थ्योरम क्या है और प्लेन कैसे उड़ता है उसका यूज़ करके, तो ये तो प्रॉब्लम है. लेकिन अगर आपसे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो वो भी लिबरल हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, मे बी इसको नहीं आता हो, क्योंकि आपने 4 साल से छोड़ा हुआ है उस सब्जेक्ट को. नॉर्मल आदमी नहीं रिमेंबर करता है इन सारी चीज़ों को. ओके, तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए. आप जो जैसे आपकी ब्रांच का मतलब कि क्यों मैकेनिकल है आपकी ब्रांच का नाम और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये आपको पता है तो नो मैटर आप टफ क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी दोगे तो चलेगा. लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है और टफ क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हो तो आपके मार्क्स ज़रूर कम आएंगे. हाँ, तो डजेंट मैटर, आपको नहीं आता है तो आप बोल दो कि मुझसे नहीं आता सर, आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट द थिंग. ठीक है, आप ये नॉर्मली कह सकते हो उनसे. अगर वो बहुत ही स्पेसिफिक और डीप में जाके सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपसे नहीं आता है तो इट डजेंट मैटर्स. ठीक है, बिल्कुल आराम से आप कह सकते हो. जैसे मुझे HTTP का मतलब पता था लेकिन S का मतलब नहीं पता था, सिक्योर्ड होता है, इसका मतलब मुझे नहीं पता था तो मैंने कह दिया सर नहीं आता मुझसे. तो इट डजेंट मैटर, आपको इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखना है. हाँ बिल्कुल, आपको काम तो सोसाइटी में ही करना है ना, आपको इकोनॉमी और सोसाइटी इन सब चीज़ों के लिए काम करना है. तो आपका जो सब्जेक्ट है उस चीज़ का उस रिलेशन उसका कैसे है सोसाइटी में, इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करके हमें चेंजेस ला रहे हैं हमारी सोसाइटी में, करप्शन को कम कर रहे हैं, पॉवर्टी को कम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें. और कोशिश करना कि आप एक कोई नई चीज़ अगर आप पढ़ो तो उसके डायमेंशन सोचो कि वेमेन से रिलेटेड इसके चेंजेस क्या हो सकते हैं, इसमें क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं वेमेन से रिलेटेड या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड, बूढ़े लोगों से रिलेटेड क्या चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, अब जैसे आजकल क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह आ गया है तो लोग उसमें लगे रहते हैं, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ के सोसाइटी में क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या ये हमारे सोसाइटी में क्राइम, साइबर क्राइम और इसके अलावा अलग तरीके के क्राइम्स को ज़्यादा वो कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली पहले जिन चीज़ों की एक्सेस से बड़े लोगों तक होती थी अब चिल्ड्रंस तक भी होती है. चिल्ड्रन उस चीज़ को सीखते हैं वाया सोशल मीडिया और सोशल मीडिया ये नहीं बताता कि वो चीज़ सही है कि गलत है. ठीक है, आपको वो पहले आपके बड़े बूढ़े सिखाते थे और वो बताते थे कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सोशल मीडिया में आपको नॉलेज तो दे देता है लेकिन वो ये नहीं बताता कि
सही है कि गलत है। तो इस चीज़ से चिल्ड्रन में क्राइम के रेट्स बढ़ रहे हैं, 18 से कम एज के लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीकेशन हैं टेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे आप जो टेक्नोलॉजी है उस चीज़ का क्या इफेक्ट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नॉर्मली बेसिक जैसे मैंने बताया आपको कि रोड में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। आपको अगर बना दिया जाए कि NHAI का डायरेक्टर बना दिया जाए, तो आप इस चीज़ को यूज़ करके, आप अपनी नॉलेज को यूज़ करके चीज़ों को अंडरस्टैंड बेटर करोगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से करोगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि सर मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत तोड़ू सॉल्यूशन बता देने हैं, आपको मतलब सॉल्व कर दोगे प्रॉब्लम। ये तो उनको भी पता है कि यार इतने सारे ऑफिसर्स बैठ के अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप तो नए हो, आप क्या करोगे। लेकिन एटलीस्ट उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, ये सोचता है इस बारे में और इसका दिमाग उस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो उन्हें लगना चाहिए, ठीक है। Anything else? टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको स्पेसिफिक ऐसे मत पढ़ने लगना कि मैं मॉरिस मैंने उठा के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने लग गया। लेकिन आपको नॉर्मली जो चीज़ें हैं आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन, जैसे वाई डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ प्रेफर्ड ओवर एनालॉग टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये सब चीज़ें नॉर्मली जो चल रही हैं, ठीक है, जो आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को आप नॉर्मली इंटरनेट पर बैठ के सर्च कर लो। कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं कि आप बेसिक बुक्स उठा के पढ़ने लग जाओ, एकदम नॉर्मल जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसमें जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मुझे मैकेनिकल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन न्यूज़पेपर में आया था कि BS जो इंजन्स जो नए वाले हैं उनकी साइज़ वगैरह का कोई इशू था कि वो उस नॉर्मल जो चेसिस है उसके ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। ये सारे इश्यूज न्यूज़पेपर में आया था, ये सब तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम इंजन का चेंज कर देंगे तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें हम उस इंजन को यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या साइज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी, और उसके कारण इन्वेस्टमेंट पे कोई असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, क्योंकि कंपनीज उसका वो कर रही थी, अपोजिशन कर रही थी। नॉर्मली आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो, आपके कुछ एम्बिशंस रहे होंगे, आप अपनी चीज़ बताओ, मैं बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। आप अपनी चीज़ बताओ कि आपने क्यों सोचा कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, आपने किसी से इंस्पिरेशन ली, आपके आसपास कोई सिविल सर्वेंट बन गया, उसने अच्छा काम किया तो उससे आपने इंस्पिरेशन ली, या जनरली आपने TV पे देखा कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर ऑप्शन है तो आपने इसलिए चेंज कर दिया। आपका जो पर्सपेक्टिव है, ये नहीं लगना चाहिए उन्हें कि ये फालतू की बात कर रहे हैं कि नहीं मैं सोसाइटी में बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। सोसाइटी में अच्छा काम तो स्वीपर भी करता है और सिविल सर्वेंट भी करता है, ठीक है। तो आपका एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए जो जिसके कारण आपने सिविल सर्विसेज में आना प्रेफर किया था एज़ कम्पेयर टू वर्किंग इन एन MNC और वॉट एवर, ठीक है। तो ये जनरल रीज़न आप बताओगे वहाँ पे, रादर देन ब्लफिंग कि मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा इसमें, सोसाइटी के लिए काम करने को मिलेगा और दैट, ये सब मत बताना। जैसे सोशल मीडिया के कई सारे पॉजिटिव्स हैं, कई सारे नेगेटिव्स हैं, कि लोगों को कनेक्ट कर रहा है, आप किसी से भी मिल सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, यू कैन फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल, आप नेताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो, आप गवर्नमेंट और सिटीजनरी के बीच में जो गैप था वो कम हो रहा है इसके कारण, लेकिन उसके नेगेटिव्स भी हैं। तो आप उसमें ये बता सकते हो कि नॉर्मली ये मत हो कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे या रेगुलेट करे, गवर्नमेंट का हाथ उसमें नहीं होना चाहिए, एक सेल्फ रेगुलेशन टाइप का होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हम अगर देखा जाए तो अभी पद्मावती का इशू चल रहा है, तो उसमें फिल्म जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जिसको हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है और गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बोर्ड को, ठीक है। लेकिन इट विल बी बेटर कि वो सेल्फ रेगुलेशन करे,
जो फिल्म फ्रेटर्निटी है उसके लोग उसमें आए, वो खुद ही इलेक्ट होके आए वहाँ से, और वो अगर रेगुलेट करेंगे तो इट विल बी बेटर विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी. गवर्नमेंट का जब इंटरफेरेंस हो जाता है वहाँ पे, तो गवर्नमेंट विल बी गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू डिक्टेट इज एज पर डिक्टेटेड एज पर इट्स ओन नीड. ठीक है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. सेल्फ रेगुलेशन बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पॉजिटिव फेक न्यूज़ और इस तरह के नेगेटिव्स जो हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. या बिल्कुल हो रहा है, और दूसरी ज़रूरत भी है इस चीज़ की. और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए इस चीज़ पे. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जितना कम हो उतना अच्छा. गवर्नमेंट शुड बी रेगुलेटिंग नॉट कंट्रोलिंग द थिंग्स. और रेगुलेशन में भी सेल्फ रेगुलेशन इज मच बेटर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बेस्ड रेगुलेशन. ठीक है, तो मैं नॉर्मली आपको बेसिक चीज़ें इंजीनियरिंग के बारे में बता दी, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ. जैसे इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. ठीक है, तो उसमें आपको वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना पोस्चर सही रखना है. आपको पूरे टाइम आपके फेस से नहीं लगना चाहिए कि यू आर पैनिकिंग. ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है वहाँ पे. अगर आप थोड़ा सा ही पैनिक किए तो एक्चुअली वो बहुत सपोर्टिव होते हैं वहाँ पे, आपको वो पैनिक करने नहीं देते हैं. बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे आप जब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होते हैं, तो आपका एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम कुछ और नेगेटिव सोचने लग जाएं, तो आपको ये नहीं करना है. दूसरी चीज़ कि वहाँ पे आप, मैं ये एक्सरसाइज करता था और आई विल प्रेफर कि आप लोग भी करो. मैं उससे पहले इंटरव्यू जस्ट जब होने वाला होता था, तो उससे पहले बाथरूम में जाता था, मिरर पे देख के कहता था आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट. ठीक है, तो यू शुड डू इट, क्योंकि इससे आपका एक मोटिवेशन आपको आता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है, आप पहले इंटरव्यू जब मैंने मॉक दिए थे, तो जैसे मैं बता रहा था 15 मिनट बाद मैं फंबल करने लग गया था, नहीं बोल पा रहा था कुछ भी. एंड बट चीज़ें प्रोग्रेस जब करती हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को खुद ही इम्प्रूव करते हो. आपका सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में वर्क करता रहता है. तो आपको पैनिक नहीं होना है. मॉक्स प्रैक्टिस जितनी कर सको आप मॉक्स में, उतना आप उतना अच्छा होगा उस चीज़ से रिलेटेड. बाकी ऑल द बेस्ट. इंटरव्यू बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है मार्क्स उससे, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा. इंटरव्यू इज़ द फन पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, सबसे ईजी पार्ट होता है प्रिपरेशन में, क्योंकि इसमें उतना स्ट्रेस नहीं होता. आप लोगों से मिल के और इस तरह लोगों से बात करके इसकी पूरी प्रिपरेशन करते हो, लेकिन लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें मार्क्स का वेरिएशन मेरे 193, कुछ लोग के 130 भी थे. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है इंटरव्यू में. तो ट्राई नॉट टू टेक इट लाइटली, बट उतना इसको सीरियसली भी उतना मत लेना कि भाई हाँ. और नॉर्मली एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसको उससे आपको पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे नए. ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया नॉर्मल लोग पढ़ते हैं. ठीक है, नॉर्मल लोग हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं. तो टाइम्स ऑफ इंडिया प्लीज़ पढ़ें आप. नो, आप जैसे जनरल स्टडीज़ के लिए आप अभी तक नोट्स बनाते थे, वैसे ही नोट्स बनाने हैं, प्रोज कॉन्स एंड कंक्लूजन, क्योंकि आप कहोगे भी वही. लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए कि ज़्यादा एलैबोरेट ना करें, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें. बिल्कुल ठीक है, यू हैव टू डायरेक्टली जंप टू द पॉइंट ऑन विच ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन, एंड यू हैव टू कंक्लूड इट. ठीक है, क्योंकि अगर 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू चलता है और वहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, तो एक मेंबर के पास कितना टाइम हुआ? 6 मिनट्स. ठीक है, अब 6 मिनट्स में वो बंदा आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा, और 5 से 6 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एक क्वेश्चन का टाइम हुआ 1 मिनट, और 1 मिनट में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा और आपसे आंसर भी एक्सपेक्ट करेगा. तो अगर आप ज़्यादा एलैबोरेट करके आंसर दोगे, तो खुद ही इंटरप्ट कर देगा और आप अच्छे से आंसर भी नहीं कर पाओगे. तो इट्स बेटर कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दो, और नहीं आता है तो बिल्कुल सीधा मना कर लो. कुछ आंसर्स मैंने बिल्कुल तैयार किए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जब वहाँ पे एंटर करते हो, तो जितनी भी प्रिपरेशन की होती है, जितनी भी चीज़ें की होती हैं, उसमें बहुत कम पार्ट आपको याद रहता है, क्योंकि वहाँ पे 5 मिनट बाद आप अपने सेल्फ पे आ जाते हो. उस 30 मिनट में वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं वहाँ पे जो बैठे रहते हैं, और आपको एक अलग टाइप का प्रेशर फील होता है. मैं जब इंटरव्यू दिया था, तो इट वॉज़ लाइक 30-35 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू,
लेकिन जब मैं निकला इंटरव्यू बोर्ड से बाहर गेट के, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरा लग रहा है इंटरव्यू 5 मिनट में ही हो गया, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया। और मुझे कुछ भी एक्चुअली नहीं आता कि मैंने बाहर क्या, मुझे लोगों ने सजेशन दिए थे क्या कहा था, मैं जब जो पूछ रहे थे वो मैं बता रहा था, दैट्स ऑल। ओके, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, बेसिक क्वेश्चंस आप तैयार कर लो कि उसके आप आंसर क्या करोगे, कि आप क्यों बनना चाहते हो सिविल सर्वेंट, आपके डैफ में नहीं तो वो नॉर्मली आप जैसे जीएस में प्रिपेयर करते थे वैसे प्रिपेयर करना है, और नॉर्मली बस पॉइंट टू पॉइंट कोशिश करिएगा बोलना है। उसके लिए कोई आंसर ऐसे आप नहीं, आप जैसे आपसे उसने क्वेश्चन पूछे तो आप 2-3 सेकंड का ब्रेक लो, क्वेश्चन को समझो, पॉइंट्स जो आपके मन में है उसको कैलिब्रेट करो कि आप कैसे बोलोगे, एंड देन स्पीक। आप अगर उसने क्वेश्चन पूछा और आपने तुरंत फायर करना शुरू कर दिया तो इट इज़ बेसिक टेंडेंसी कि आप कुछ देर बाद फंबल करने लग जाओगे, क्योंकि आपके मन में एकदम रैंडमली आइडियाज़ आ रहे हैं। आप बिल्कुल जो दिमाग है उसमें एकदम से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आइडियाज़ नहीं आएंगे, आपके मन में रैंडमली बिल्कुल शूट करेंगे आइडियाज़, और आप उसी तरह से अगर बोलने लगोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो 1-2 सेकंड का ब्रेक लो, सोचो एंड देन बोलो, तो उससे क्या होता है कि आप एक सही तरीके से एक सही फॉर्मेट में आंसर कर पाते हो। ठीक है, डिसीजन बिल्कुल बिल्कुल लेना ज़रूरी है, और वहाँ पे आपकी वो डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब भी चेक कर रहे होते हैं, और आपको एक कंक्लूजन पे पहुँचना है। लेकिन कंक्लूजन ट्राई करिए कि ना ज़्यादा इधर हो ना ज़्यादा उधर हो, बैलेंस्ड कंक्लूजन हो, क्योंकि एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकता है। ठीक है, अगर आप किसी एक डायरेक्शन को फेवर कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप कोई चीज़ गलत है, मर्डर गलत है तो मर्डर के फेवर में आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे आधार है उसकी, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उसका बैलेंस कंक्लूजन दो। ठीक है, जो चीज़ गलत है उसके बारे में तो गलत ही कहना है, जैसे अब खाप पंचायत उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो गलत है। हाँ बिल्कुल, वो आपकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो जाता है ना, आपने कुछ कहा पहले कि मैं सिविल सर्वेंट इसलिए बनना चाहता हूँ, उसके बाद घूम फिर के आफ्टर 20 मिनट्स आपने आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा और आपसे आपने वो स्टैंड चेंज कर दिया, इट मीन्स यू आर ब्लफिंग, यू आर लाइंग। आपने जो कहा उस पर स्टिक करना है पूरे टाइम। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। हाँ ओके, नहीं बोर्ड तो आपको वो कोशिश करेंगे ही कि आप अपने स्टैंड से हिलो, क्योंकि वो इसी तरह की बात करेंगे। ठीक है, बट आपको सोचना है कि यार आर्मी है, आर्मी और उनमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, आर्मी वो नहीं कर सकती जो वो लोग कर रहे हैं, आर्मी पत्थर थोड़ी मारती है, आर्मी इस तरह का बिहेवियर थोड़ी कर सकती है जैसा वो करते हैं। वो अगर जानवर हैं तो हम जानवर नहीं बन सकते ना, तो हमारा जो तरीका होना चाहिए वो सिविलाइज तरीका होना चाहिए। सामने वाला जो हरकत कर रहा है वही हम भी करने लग जाएं तो हमें उनमें डिफरेंस क्या होगा। ओके, सो इस तरह के स्टैंड होना चाहिए आपका, बैलेंस स्टैंड होना चाहिए। जो चीज़ गलत है उसके बारे में आपको गलत ही कहना है, और जो चीज़ सही है उसके बारे में सही कहना है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है तो आप उसमें बैलेंस्ड ओपिनियन दो। ठीक है, हाँ अगर वो ऐसा है टॉपिक तो ठीक है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली थिंग एल्स बिल्कुल। आप देखो इसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप वो पढ़ना जो इंटरव्यू का जो इनको सिलेबस दिया हुआ, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, मेंटल कैलिबर आपका टेस्ट होगा, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ आपकी चेक होंगी, सोशल ट्रेट्स आपके चेक होंगे, कैसे आप लोगों से मिलते हो, कैसे बात करते हो, इंटरेस्ट इन करेंट अफेयर्स चेक होगा, मेंटल अलर्टनेस चेक होगी, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन चेक होगा कि आप कई सारी इशूज़ अगर आपके साथ चल रहे हैं तो उनको आप एसिमिलेट कैसे कर पा रहे हो। देन उसके बाद क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन आपका चेक होगा कि आप क्लियरली बिल्कुल बात करते हो कि नहीं। ओके,
बैलेंस ऑफ जजमेंट जो मैंने कहा, बैलेंस आपका बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड्स को लेकर के चलना चाहिए आपको। वैरायटी ऑफ डेप्थ, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है आपने जो भी किया है आज तक उसमें, या फिर ऐसे ही कर लिया आपने, किसी ने कहा तो आपने कर लिया। एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट होती हैं वहाँ पे। और लीडरशिप में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पेशेंस, लीडरशिप, लीडर जो होता है वो पेशेंट होना चाहिए, वो पेशेंटली अपने जो उसके नीचे हैं उनकी बात सुनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपकी चेक होती हैं। एक बार इस चीज़ को ध्यान से पढ़ करके इसको बाय हार्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि यूपीएससी कभी भी सिलेबस से इधर उधर नहीं जाती, वो हमेशा उसी इस चीज़ पे स्टिक करती है। उनकी ब्रीफिंग भी इसी तरह से होती है जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, कि आपको ये ट्रेट्स हैं उस एक कैंडिडेट में जो चेक करने हैं।